130,000 की ये साइकिल 2030 में कोरिया रिप्रेजेंट करने वाला है एक्सपो। चलो आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, जिसमें कि 80,000 के शूज वाला है ना डायलॉग वो। हाँ, तो अभी जो आप चीज वो आप मेरे को दिखाने वाले हो उसमें कितने घर बिक जाएंगे ये बताओ। घर तो नहीं बिकेंगे बट बहुत कुछ बिक जाए। This is the product from Pakistan and Himalayan salt. You keep your house better sleep, better mood. 1,260. ये सबसे सस्ता है। Almost 28,000 Indian. इतने तो हम वॉलेट में नहीं रखते जितने का पूरा वॉलेट है ये। So hello guys, welcome back to my another blog. This is Saurabh. और अभी time हो रहा है शाम के 6:30 और अभी फिलहाल मैं हूँ अल जदफ मराइन स्टेशन पर। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई फेस्टिवल सिटी, तो हमको यहाँ से लेनी होगी फेरी जो कि अल जदफ मराइन स्टेशन से मिल जाएगी आपको, जिसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है क्रीक जो कि ग्रीन लाइन पर है। तो आपको फेरी में जाने के लिए आपको कोई टिकट वगैरह लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास नोल कार्ड है जो हम मेट्रो में और जो भी RTA की फैसिलिटीज़ है दुबई में जो भी है, तो आप जो वहाँ पर नोल कार्ड यूज़ करते हैं तो आप वही सेम कार्ड आप यहाँ पे फेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको टैप करना होता है, इसका और टोटल चार्ज लगता है 2 dirham। तो फिर अभी चलते हैं हम लोग दुबई फेस्टिवल सिटी। अभी यहाँ पे काफ़ी लंबी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। देखते हैं, अभी वीकेंड चल रहा है, ये सैटरडे आज, तो फिर चलते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज़ मैं अभी आ गया हूँ दुबई फेस्टिवल सिटी और अभी मेरे पीछे ये इंटर कॉन्टिनेंटल होटल जो आप लोग देख रहे हैं, कितनी मस्त यहाँ पर लाइटिंग है। तो मुझको यहाँ पर आगे पता लगे कि यहाँ पर जो एक फेस्टिवल लगा हुआ है, कल्चर फेस्टिवल लगा हुआ है जो कि है कोरिया का, क्योंकि 2030 में कोरिया रिप्रेजेंट करने वाला है एक्सपो। जैसे कि अभी दुबई में एक्सपो 2020 था, तो वैसे ही कोरिया में 2030 में एक्सपो होने वाला है। तो उन्होंने अभी से उसकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी है, तो वो मुझको यहाँ पर आगे पता लगा कि यहाँ पे एक कोरिया का कल्चर फेस्टिवल चल रहा है। तो चलो करते हैं इसको भी एक्सपीरियंस, कोरिया कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है ये और इनकी क्या क्या एडवर्टीजमेंट में अपना शो कर रहे हैं लोग, जो जो शायद 2030 में ही आप लोग कोरिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो करते हैं कोरिया के कल्चर को भी एक्सपीरियंस, तो कराते हैं आपको भी यहाँ का एक टूर। तो जैसे हम लोग पहले एंट्री करते हैं, सबसे पहले आते हैं इधर किड्स क्लब एरिया, जहाँ पे अपना बच्चे वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, कुछ आर्ट ड्राइंग वगैरह व्हाटएवर जो भी करना वो कर सकते हैं। और उसके बाद इस साइड कुछ शॉप्स हैं, यहाँ पे छोटे मोटे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कल्चर इनके यहाँ पे इनका कल्चरल फूड है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक दो वहाँ पे एक स्टॉल लगे हुए हैं और इस साइड में एक दो शॉप हैं। और इधर चल रहा है पीछे लाइव कॉन्सर्ट, चलते हैं उस साइड में देखते हैं फिर कैसा है। बता रहा था कि यहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को इन्फॉर्म किया इस फेस्टिवल के बारे में, तो मिलिए मेरे फ्रेंड से शुभम। शुभम भाई, हेलो बॉस, से समथिंग टू माय व्यूअर्स। या इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, यू हैव टू विजिट एट लीस्ट वन टाइम। एग्जैक्टली, अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस प्लेस पे, लेकिन सच में बहुत मस्त प्लेस है यार, यहाँ का क्या ही मस्त लाइटिंग लग रही है। और वैसे यहाँ पे शायद कोई वाटर फाउंटेन शो भी होता है ना? यस, एवरी डे आफ्टर 6 o'clock देयर इज द एवरी हार देयर इज द वाटर फाउंटेन प्लस लेजर लाइट शो आल्सो। अभी होगा? सो अभी तो नहीं होगा एक्चुअली, अभी ये कोरियन शो चल रहा है तो इसके वजह से नहीं होगा, बट मे बी कल से ऑफिस वो चालू हो जाएगा। अच्छा, तो वैसे टाइमिंग है उसकी वाटर शो की? आफ्टर 6, 6 बजे के बाद वो चालू हो जाता है एवरी हाफ आवर, 6:30। हां, जो वही सेम जो वहां पे दुबई मॉल वाला है। यस एग्जैक्टली, ओके ओके, सेम टाइमिंग। तो अभी हम लोग आ गए इसके कोरिया के फूड कोर्ट में, तो देखते हैं यहाँ का फूड कोर्ट कल्चर कैसे इधर का इनका। तो वैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, मतलब कि जो एक्सपो रिप्रेजेंट करेगा 2030 में वो कोरिया करेगा, तो अभी से इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी है। और
और फिलहाल हम लोग हैं अभी कोरियन फूड कोर्ट में, जो कि देखने बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या ही मस्त यहाँ पे लाइटिंग आ रही है, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। और आप लोग यहाँ पे आके बैठिए और मस्त व्यू को एंजॉय कीजिए। सनसेट में यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आएगा, पूरा इधर से डाउनटाउन क्लियर होता है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है। और उस साइड आता है हमारा क्रीक हार्बर, जो कि अभी न्यू एक व्यूइंग डेक ओपन हुआ है, वो आपको वहीं पर मिल जाएगा, जिसकी ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। First of all, I'm appreciate to you your visit here. Thank you. And this is a product from Pakistan and Himalayan salt. You keep your house better sleep, better mood. Someone is asthma problem, breathing problem is very very good for that. And let's suppose if you keep this one in the room and this one, the benefit is same, but the design. बना किस चीज़ से? ये stone है sir, stone. Stone है. Yes, stone और नमक का stone है. और घर पे रखेगा जिसका yes. जिसका सांस का मसला है, ब्रीथिंग का मसला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। या सो तो ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर में? यस सर, डिज़ाइन इज डिफरेंट सर, द प्राइस इज डिफरेंट, द क्वालिटी इज सेम। हाउ मच इट इज सर? द स्टार्टिंग प्राइस इज 150, 120 and 300, 500, 5000 लाइक दैट। यस यस यस। ओके तो फिर गाइस चलते हैं अभी दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में, देखते हैं मॉल भी कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक फेमस मॉल है, काफ़ी एक विजिटिंग मॉल है ये भी। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो टूरिस्ट इसको अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि एक बेस्ट प्लेस पर ये मॉल लोकेटेड है। तो फिर देखते हैं कैसा है मॉल अंदर सही है। कितने की है इसका प्राइस है ये? 6,289 सो इंडियन करेंसी में हो गया लगभग 1,30,000। कितना? 1,30,000 की ये साइकिल भाई, 1,30,000 की ये साइकिल, 6,289। ऐसी साइकिल मैं इंडिया में कोई 2,000 में ले लूं यार। चलो आगे चलते हैं, लूट मचा रखी है कतई। अरे ये क्या है? ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये एक एक्चुअली प्लान है, टाउन प्लान। ये शारजा में डेवलप होने वाला है, यूनिवर्सिटी रोड के नजदीक। तो ये पूरे जीरो से लेके ये अब जो अभी देख रहे हो ये पूरा डेवलप होगा। तो अभी ये जस्ट लॉन्च के इन लोगों ने प्लान, इसलिए आप बड़े बड़े मॉल्स में दुबई में आपको ये ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे। यार कोरी अपना कितना ज्यादा बड़ा एडवर्टीजमेंट कर रहा है 2030 एक्सपो के लिए। आप देख सकते हो जगह जगह पर इनके काउंटर्स लगे हुए हैं, ट्रेवल गाइड्स बुक यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरिया विजिट करें 2030 में एक्सपो में। भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे काउंटर्स लगाए हुए हैं, सब जगह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोग बुक्स का, और जितनी बुक्स हैं यहाँ पे सारी गाइड बुक्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कोरिया कल्चर के बारे में जितनी भी मतलब बातें हैं सबको आप उनको बता रहे हैं, और जितनी भी बुक्स हैं वो सब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों को पता लगे कोरिया के बारे में भी, और कितने बड़े स्केल पर लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कोरिया का। आप देख सकते हो जहाँ भी देखोगे दुबई फेस्टिवल मॉल के अंदर कितने ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने काउंटर लगाए हुए हैं। और अगर आप लोग दुबई फेस्टिवल मॉल विजिट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे कैरी फोरी मिल जाएगा, इवन दो होलीडे इन होटल भी आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा साइड में जाना होगा, और लुलु हाइपर मार्केट भी भाई इसमें मिल जाएगा। तो मतलब सबका मिक्सअप इसमें है, इतना बड़ा मॉल है, लेकिन भाई दुबई मॉल से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। थोड़ा अगर हाउस होल्ड सामान कुछ लेना हो तो आप यहाँ पे लुलु हाइपर मार्केट और कैरी फोर भी जा सकते हैं, इसलिए जो कि सब आपको इसी के अंदर ही मिल जाएगा। तो फिर जब यहाँ पे आए तो चलते एक दो शोरूम में फिर, और ये प्राइस देखते फिर यहाँ पे कितने कितने के प्राइस हैं। ऑफ कोर्स भाई औकात से बाहर होने वाले प्राइस ही होंगे, इतना तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ, मैं औकात से बाहर वाले प्राइस होंगे, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं एक बार और उनको देखते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग कितना प्राइस बैठेगा उनका। मुझको ये शर्ट पसंद आ रही है, इसका प्राइस कितना है? 149 देखा जाए तो कोई तकरीबन 3200 रुपये इंडियन करेंसी में। और क्या इधर ये शॉर्ट्स वगैरह हैं कुछ, और ये कुछ इसका प्राइस 119 दिरहम, 2600 भाई ये तो ना बेचने वाली बात हो गई। नहीं पता क्या यार, हम लोग क्या करते हैं कि अगर दूसरी कंट्री में है तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ सस्ती होती है। ऑफकोर्स अगर हम अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग उसको मतलब कैलकुलेट करके देखते हैं, ऑफकोर्स भाई ज़्यादा वो नहीं है भाई,
शॉपिंग करते हुए तब तुम ये सब कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन जब सैडली भेजते हो घर पे, जब तुम्हारी डबल ट्रिपल होती है तब तुमको बुरा नहीं लगता? तब तो वही ऑफकोर्स खुशी होती है। तो भाई यहाँ शॉपिंग करते हुए क्या कैलकुलेशन करनी, लेकिन फिर भी इतना महंगा नहीं है, ठीक है अगर इनकी करेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। गाइस अभी मैं हूँ ब्रिक्स मिलेनो के बाहर, जो कि एक बैग्स का ब्रांड शोरूम है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। वैसे आप लोगों को एक बात बताए तो मैं अभी जिससे आप पहले मिले थे शुभम से, मेरा रूममेट, वो यहाँ पर मैनेजर है, तो मेरे लिए अच्छी बात रहेगी मैं उसके थ्रू यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ प्राइस का, एनुअल का, देखते हैं कितना सस्ता होने वाला है। मुझे लगता है ज़्यादा सस्ता ही होगा, कोई महंगा तो होने वाला नहीं। ये है मिस्टर शुभम। हेलो मिस्टर सौरभ। यहाँ के मैनेजर वही इंसान है जो अभी आपको यहाँ पे कैजुअल में घूमता हुआ मिला था ड्यूटी टाइम पे, और अभी यहाँ पे एक बॉस की तरह यहाँ पे खड़े हैं। ज्यादा महंगा शोरूम नहीं लग रहा, सस्ता शोरूम लग रहा है मुझे ये। सस्ता है ना? चलो एक बार दो तीन ब्रांड मिल जाएंगे सस्ते में, दिखाओ ना कोई सस्ती सस्ती चीजें जिसमें चार पांच घर बिक जाए। चलो आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं जिसमें कि 80,000 के शूज वाला है ना डायलॉग वो। हाँ यस। तो अभी जो आप चीज वो आप मेरे को दिखाने वाले हो उसमें कितने घर बिक जाएंगे ये बताओ। घर तो नहीं बिकेंगे बट बहुत कुछ बिक जाएगा। ये है एक नॉर्मल, ये देखिए आप बोलते हैं हैंडबैग होल्ड ऑन जस्ट नॉर्मली। ओके, ये इंडिया में हार्डली आ जाएगा मे बी 2,000-3,000, और अगर अच्छा सा ब्रांड भी लेते हो तो ये मैक्सिमम हम 10,000 पकड़ के ले लेंगे। हाँ, कुछ ज्यादा महंगा लग नहीं रहा ये। यस, बट ये आप दिखा दीजिए, ये है पोर्श डिजाइन। तो भाई अभी कमेंट करके बताओ बिना देखे बिना स्किप किए कितने का होगा बैग ये। यस, ये छोटा सा बैग, और ये बता दो ये मटेरियल है कार्बन फाइबर। ओके, जो कि बोलते हैं बुलेट प्रूफ फायर प्रूफ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। अरे, कार्बिटेक CX7 सीरीज। तो अभी हमने प्राइस एक्चुअली इसकी रिड्यूस की है, पहले काफी ज्यादा थी। अच्छा, और ये अभी मिल जाएगा, मतलब रिड्यूस की है आपने प्राइस इसके। रिड्यूस करने के बाद कितने में? रिड्यूस करने के बाद अब दिखाई दीजिए और मैं बता भी देता हूँ, ये 8,951 दिरहम। 8,951। यस, ये इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी में कितना हुआ? ऑलमोस्ट 1,98,000, मोटा मोटी 2,00,000 पकड़ लीजिए। क्या बोला तूने? 2,00,000 का एक बैग, 2,00,000 का ये बैग। यस एग्जैक्ट। वेयर इज एग्जिट? वेयर इज एग्जिट? भाई कितने घर बिकने वाले हैं इसमें ये बताओ मेरे को। 80,000, 80,160, मतलब कि पूरे 2-3 घर इसमें बिकने वाले हैं। यस, एक्चुअली इस बैग के लिए स्टार्टिंग रेंज है ये। स्टार्टिंग रेंज है? स्टार्टिंग रेंज है भाई, देख लो ये स्टार्टिंग रेंज है इस बैग की। और इसका दिखाना एक बार, ये बैकपैक है, नॉर्मल शोल्डर बैकपैक। हाँ, जो पीठ पे लगाते हैं। ओके, तो ये भी सेम मटेरियल कार्बन फाइबर है। इसका प्राइसिंग आ जाएगी 6,800। सो ये भी आप पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 1,38,000। और खास से बाहर वाला सीन है यहाँ पे, बेटर है कि एग्जिट गेट देखो किधर है, निकलो यहाँ से बाहर। भाई क्या खतरनाक, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार, इतने महंगे महंगे बैग्स भी होते हैं। वैसे यहाँ पे शोरूम, यहाँ पे मॉल में आने के बाद मैंने ऐसे ऐसे शोरूम देखे, बाकी बात दुबई में आने के बाद ऐसे ऐसे शोरूम देखे, आज तक उनका नाम भी नहीं सुना था मैंने, ऐसे ऐसे शोरूम। और ये ब्रिक्स में तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, शुभम की वजह से यहाँ पे आ पाया मैं। खतरनाक सीन है यार यहाँ पे तो, यार घर बिकने वाला सीन है। ओके शुभम भाई, एक बात बताओ, आपके शोरूम में सबसे सस्ता चीज़ क्या है? सबसे सस्ता बैग या फिर वॉलेट हो या कुछ भी हो, सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता, सबसे छोटा चीज़ ही है, वॉलेट है। दिखाओ कितने का है वो? सबसे सस्ता वॉलेट भी आ जाएगा ऑलमोस्ट, इसमें से कोई भी ले लीजिए, ये वॉलेट कितने का है? 1,260। ये सबसे सस्ता है, ऑलमोस्ट 28,000 इंडियन रुपीज। इतने तो हम वॉलेट में नहीं रखते जितने का पूरा वॉलेट है ये। यस, और ये यहाँ पे सबसे सस्ता है अकॉर्डिंग टू दिस बैग। सीरियसली, इससे सस्ता कुछ नहीं है? इससे सस्ता नहीं है, नहीं है, सस्ता तो यही है वॉलेट। स्टार्टिंग रेंज है 28,000 इंडियन रुपीज, ऑलमोस्ट 1,200 दिरहम। भाई क्या ही करोगे यार, सब छोड़ो। कहाँ ले, लोगों के पास इतना पैसा आते हैं भाई? करते हैं तो शेख हो गया, शेख लोग आते हैं, शेख लोग आते हैं, देखते हैं उन्हें बस डिजाइन और ये अच्छा लग गया, वो डायरेक्टली पैसा है लोगों के पास, मतलब पैसा है, है मतलब पैसा लोगों के पास, हम जैसों के पास नहीं। तो मेरे लिए सबसे सस्ता पता क्या है? मेरे लिए सबसे सस्ता है वो एग्जिट। तो भाई बाय बाय, सी यू टाटा। तो मेरे सबसे सस्ता दिख रहा है यहाँ से एग्जिट, मैं निकलता हूँ भाई। मुझको ये पसंद आया था लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई है,
800 दिरहम, बहुत ज़्यादा है।